मंडी की जनता ने आज ये पूरे विश्व को दिखा दिया कि क्या होता है जब मंडी की बेटियां ऐसी ऐतिहासिक लीड जो है वो हमारी नौ की नौ विधानसभाओं में लगी है और विशेष करके मंडी सदर में ऐसी बढ़ चढ़ कर लीड लगी है कि दूसरी बार कभी कोई अब ये जरूरत नहीं करेगा कि मंडी में आकर वो बेटियों के भाव पूछे। इस जीत का जो श्रेय है ये मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देती हूँ जिन्होंने आपकी बहन आपकी बेटी कंगना को इस लायक समझा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है उन्होंने मुझे यहाँ से टिकट दिया और अब मैं सांसद नहीं मैं लोकसभा में मंडी की सांसद हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे मेरी मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों आज आप ही लोगों के आशीर्वाद से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण करेंगे कुछ ही दिनों में। तीसरी बार जो है एनडीए की सरकार जो है वो अपना कार्यालय संभालेगी और अब तो आपके लोगों आप लोगों के बीच में रहना काम करना और आप लोगों के साथ मिलजुल कर जो है अपनी मंडी का विकास करना यही मेरा उद्देश्य है और मैं आज पूरी तरह से भावुक हूँ और भावनात्मक मैं एक तरीके से आप लोगों को कहती हूँ कि बहुत ही भावनात्मक तरीके से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अब मुझे मेरी मातृभूमि ने वापस बुलाया है और गले से लगाया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। दोनों हाथों से जोड़कर मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपनी बेटी को और अपनी बेटी की जो है इतनी बढ़ चढ़ कर जो है लाज रखी और ऐसी ऐतिहासिक जीत दी इसका मैं हमेशा सदा आप लोगों की आभारी रहूंगी और सदा आप लोगों के काम में जो है तत्पर रहूंगी। साथ ही हमारे सारे विधायक हमारे मार्गदर्शक नेता प्रतिपक्ष जयराम जी इन लोगों के सहयोग के बिना